नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से जारी सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का कोई आदेश देने से तो इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि इस तरह अनंत काल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि 58 दिन से एक सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आप विरोध करें बिल्कुल करें, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जस्टिस एस के कॉल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सड़क को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर इस मामले में एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। जस्टिस कॉल और जस्टिस जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। इसके अलावा शाहीन बाग से ही जुड़े एक और अहम मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान एक 4 महीने के बच्चे की मौत पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। बच्चों के धरने प्रदर्शन में शामिल होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। कोर्ट में शाहीनबाग की 3 महिलाओं ने भी अपना पक्ष रखने की मांग की। इन 3 महिलाओं ने अपने वकील के जरिए कहा कि जब ग्रेटा थनबर्ग एक प्रदर्शनकारी बनी थी तो वो भी एक बच्ची ही थी। उनका कहना था कि उनके बच्चों को स्कूल में पाकिस्तानी कहा जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा कि किसी बच्चे को स्कूल में पाकिस्तानी कहा गया, ये कोर्ट के समक्ष विषय नहीं है। सीजीआई ने कहा कि हम इस समय एनआरसी, एनपीआर या किसी बच्चे को पाकिस्तानी कहे जाने पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि अदालत मदरहुड का तो सम्मान करती है, लेकिन हमें बताया जाए कि क्या 4 महीने का कोई बच्चा खुद किसी प्रोटेस्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। यहां आपको बता दें कि शाहीनबाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कई वकील मौजूद थे। उनका कहना था कि बच्चों को प्रदर्शन करने का हक है और कई बच्चे सीएए और एनआरसी के चलते डिटेंशन सेंटर में मर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई का लब्बोलुबाब था। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप इसी तरह जुड़े रहिएगा नवभारत टाइम्स के साथ।